यूपी पुलिस ने सिपाही भर्ती के लिए शिक्षक प्रमाण पत्रों के सत्यापन और नापतोल के लिए मेरठ जोन के 9 जिले और शामली की पुलिस लाइन मेरठ में सेंटर बनाया गया। आज पुरुष वर्ग अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन व नापतोल की गई। आपको बताते चले कि यहां बायोमेट्रिक जांच के दौरान एक व्यक्ति के दस्तावेज मेल न खाने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। किस तरह पकड़ा गया और क्या प्रयोजन था? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक नापतोल यहां चल रहा है मेरठ पुलिस लाइन में। इसी दौरान एक अभ्यर्थी यहाँ आया, उसका नाम नीरज है, जो उसका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ, फोटो भी मैच नहीं हुआ, तो उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसको कोई सेंटर पर लड़का मिला था जिसके द्वारा एग्जाम दिया गया है। इसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी जस्ट अभी पकड़ा गया है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है, जो भी विस्तृत डिटेल होगी उसे आपको बाद में बताऊंगा। अभी पूछताछ की जा रही है सर।